हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए शॉर्ट मैसेज लेकर आई हूँ। आपके पर्सन का मैसेज क्या है अभी इस वक्त आपके लिए? यहाँ पर जो मैसेज होगा वो पाइल वाइज होगा। पहली पाइल है ये डेक, हम इस डेक से मैसेजेस लेंगे पाइल वन के लिए। और अगर आपको ये डेक अट्रैक्ट कर रहा है तो पाइल टू के लिए इस डेक से मैसेजेस होंगे। सो आपको जो भी डेक अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी तरफ, आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप चाहें तो, शॉर्ट रीडिंग है, 5-7 मिनट की रीडिंग होगी, तो आप दोनों पाइल देख सकते हैं। और आपको ऐसा लगे कि इस पाइल के मैसेजेस आपके लिए हैं तो आप उन मैसेजेस को अपना मानकर उसे ग्रहण कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको पाइल चूज़ करने में दिक्कत होती है तो आप दोनों पाइल देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पाइल वन से। विल टेक ओनली 3 कार्ड्स बिकॉज शॉर्ट रीडिंग है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपके पर्सन का मैसेज क्या है अभी इस वक्त आपके लिए? वी हैव फर्स्ट कार्ड, ओके, वी हैव सेकेंड कार्ड, ओके, वी हैव थर्ड कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, 7 ऑफ व्हील्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है विद 10 ऑफ व्हील्स। हो सकता है आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हों या एरीज, लियो, सेजिटेरियस हों। ये साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल कर आई है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की भी एनर्जी है, तो ऑल साइंस को रिप्रेजेंट करता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन अभी इस वक्त आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में जो कहते हैं ना कि सीड्स बोया है और अब फल मिलने की एनर्जी है, रिजल्ट मिलने की एनर्जी, तो इन्होंने मेहनत बहुत करी है इस रिलेशनशिप में, एफर्ट इन्होंने पूरा दिया है, इनकी तरफ से एफर्ट में कोई कमी नहीं है। ये आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपको एक अपनी लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बर्डन है, कुछ इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ इनके लाइफ के पिछले जन्म के कुछ कर्माज हैं, जिसकी वजह से ये चाह के भी आपको तुरंत से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इनका मैसेज है आपके लिए कि थोड़ा सा सब्र रखें, पेशेंस रखें। पेशेंस इनके ऊपर अगर आपको बिलीव है, अगर इस रिलेशनशिप पर बिलीव है, तो सब्र रखें। सब्र का फल बहुत जल्द आपको दिखेगा। आपको एक होप रखने की ज़रूरत है और अपने पर्सन पर आँख बंद करके विश्वास करने की ज़रूरत है। इनके लाइफ में जो भी बर्डन हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी प्रेशर है या जो भी कर्मास हैं, वो जैसे जैसे हील होंगे ये पर्सन आपकी तरफ रिटर्न आएंगे। और अगर अभी भी आपके साथ हैं, ब्लॉक सिचुएशन नहीं है, तो ये आपको ये बिलीव करने के लिए कह रहे हैं कि सब्र रखो। हमने जो भी इस रिलेशनशिप में टाइम दिया है, एफर्ट दिया है, वो वेस्ट नहीं होगा, ये आपके साथ कंप्लीशन में ज़रूर आएंगे, ठीक है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। तो यहाँ पर ये मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए। अब हम देखेंगे पाइल 2, जिन्होंने भी दूसरा डेक चूज़ किया है, दिस वन। आपके पर्सन का मैसेज क्या है अभी इस वक्त आपके लिए? बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने नहीं लूँगी मैं, ओनली 3 कार्ड्स। ओके, तो पहला कार्ड है हमारे पास द वाइल्ड हंट। द वाइल्ड हंट टावर की एनर्जी है। दूसरा मैसेज है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स। तीसरा मैसेज वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। वाओ, यहाँ पर जो एनर्जी है पाइल नंबर 2, सबसे पहले आपकी रीडिंग शुरू हुई है डिवाइन इंटरवेंशन से। वी हैव द टावर। किस सिचुएशन में टावर मोमेंट? 8 ऑफ सोर्ड्स, उस सिचुएशन में जहाँ पर ये बंधे हुए हैं।
मतलब आपके पर्सन और आपके बीच में डेफिनेटली बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो नहीं चाहते कि इस रिलेशनशिप में मैरिज हो, कमिटमेंट दी जाए। हो सकता है आपके फ्रेंड्स, हो सकता है इनके फ्रेंड्स, हो सकता है आपकी फैमिली, हो सकता है इनकी फैमिली, कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में ये ट्रैप्ड हैं। हो सकता है किसी ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन में हो जहाँ पे ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, जीते जी मरे जैसा बिहेव करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि एक डेड बॉडी है और वो ऐसी सिचुएशन में रह रही है या रह रहा है जो कि सिचुएशन उनको बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं दे रही है। बस अपना जो एक भगवान ने बॉडी दी है, बट आत्मा इनकी कहीं और है और बॉडी से ये जो काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं या कर रही हैं। बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशन है। नेगेटिव मतलब वर्स्ट सिचुएशन है। वर्स्ट सिचुएशन हम कब कहते हैं? जब कोई इंसान किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर वो न जी पा रहा है न मर पा रहा है, उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो घुट रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा, या तो उसकी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या तो किसी फैमिली इशू में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ट्रिगर बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं और ये बहुत ही बुरी सिचुएशन में है। पाइल नंबर टू जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके पर्सन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये इस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन में है, लेकिन ये होपफुल हैं, इन्हें अभी भी होप है कि ये इस बुरी सिचुएशन से निकल जाएंगे। एट ऑफ चैलिसिस। और आपके पर्सन ये भी आपको बताना चाहते हैं कि इस इतनी बुरी, इतनी वर्स्ट सिचुएशन में भी ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं ये खुश हो जाते हैं, इनके मुंह पे मुस्कान आ जाती है, स्माइल आ जाती है। तो आपकी ऑरा, आपकी फ्रेंडशिप, आपकी बॉन्डिंग, आपका लव इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस सिचुएशन में। सो ये बहुत ही इमोशनल मैसेज है, बट आई डोंट नो किसके पर्सन की एनर्जी है, और जिसके भी पर्सन की एनर्जी होगी वो समझ जाएंगे। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ अभी की एनर्जी ज़रूर मिली होगी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।